हरियाणा में पासा पलट गया। उसकी तीन बड़ी वजह, पहला हुड्डा और शैलजा की लड़ाई। हुड्डा के पीछे जाटों का लामबंद होना ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं दलित जो थे वो जाटों के अगेंस्ट चले गए। जाट और दलित कभी भी हरियाणा की राजनीति में बहुत कम ऐसा हुआ है कि एक साथ एक मंच पर आए हों। तो जाट जब कांग्रेस के पास गए तो दलित कांग्रेस से दूर चले गए। दूसरा, शैलजा आखिरी दिन तक कहती रही कि वो भी मुख्यमंत्री हैं। तो जाहिर तौर पर हुड्डा के बीच और शैलजा के बीच जो दूरियां थी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया और आलाकमान ने उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण, अग्निवीर स्कीम को लेकर बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया और कहा कि अग्निवीर के तमाम लोगों को सरकारी पेंशन वाली नौकरी मिलेगी, उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है और राहुल गांधी के लिए चुनाव एक बहुत बड़े सबक के तौर पर सामने आया है। बीजेपी हरियाणा में एक बार फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझना मुश्किल नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बीजेपी को इस चुनाव में ओबीसी वोट जबरदस्त तरीके से मिले हैं। पार्टी को लगता है कि ओबीसी वोट दोबारा बीजेपी के पाले में लाने में सैनी के चेहरे ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। दूसरी बात यह है कि अपने कम ही कार्यकाल में नायब सिंह सैनी ने मनोहरलाल खट्टर की उस छवि को तोड़ा जिसमें उनकी मिलनसार छवि नहीं थी। नायब सिंह सैनी ने अपने घर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए और मुख्यमंत्री निवास पर लोगों को अपनी समस्याएं लाने के लिए कहा था। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते सैनी को दोबारा कमान दी जा रही है। साथ ही पार्टी ने चुनाव के बीच ही ये कह दिया था कि अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा तब हुआ था जब बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सीएम बनने की दावेदारी ठोक दी थी। कांग्रेस को अब हार का मंथन करना पड़ेगा कि हरियाणा में वैसी कौन सी वजह रही जिसके वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। क्या आंतरिक गुटबाजी इसका कारण है या फिर यहाँ पे जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया? क्या कांग्रेस ऐसा अफोर्ड कर सकती है कि वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद ऐसी गलती हरियाणा में भी दोहरा सके? क्या इससे कांग्रेस बच सकती थी? क्या कारण है कि बीजेपी जिसे एग्जिट पोल में खारिज कर दिया गया था सत्ता में वापसी करती दिख रही है? बीजेपी नेताओं से जो बात हुई उनका यह कहना कि तीन चार प्रमुख कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है पीएम नरेंद्र मोदी, जिनकी लोकप्रियता हरियाणा में लगातार बढ़ रही है और उन्हीं के नाम पर बीजेपी को यह कामयाबी मिलती दिख रही है। दूसरा बड़ा कारण ये कि ओबीसी वोट जो बीजेपी के पाले से छिटक गए थे लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर से पार्टी के साथ आए हैं। तीसरा बड़ा कारण ये कि दलित वोट जो कांग्रेस के साथ चले गए थे, करीब 68% वोट दलित के कांग्रेस को मिले थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो अब बीजेपी की तरफ आए हैं और इसके पीछे शैलजा फैक्टर भी एक बड़ा कारण है। और चौथा कारण बीजेपी के मुताबिक ये है कि जो गैर जाट वोट थे उनको पार्टी ने कंसोलिडेट किया।